शाहजहांपुर एसओजी और सिरामऊ दक्षिणी पुलिस ने मादक तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर उत्तराखंड और पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल एसओजी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 5 अफीम तस्कर हरदोई शाहजहांपुर रोड से गुजरने वाले हैं, जिसके बाद एसओजी टीम और थाना सेरामो पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए ब्रेजा कार से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। कार की तलाशी लेने पर उनके पास से 8 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपये आंकी गई है। तस्करों से पूछताछ में पता चला कि झारखंड राज्य से सस्ते दामों पर अफीम खरीद कर लाते थे और इसकी सप्लाई यूपी और उत्तराखंड में करते थे। आज सभी तस्कर अफीम की तस्करी उत्तराखंड करने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही 5 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि जिले में उसके तार किन किन लोगों से जुड़े हैं, और इस मामले में पुलिस अभी आगे और भी कार्रवाई कर सकती है। ये CEO सदर एंड एडिशनल SP सिटी के नेतृत्व में SOG टीम और थाना सेरामऊ दक्षिण की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान कल रात को करीब 2:10 पर सेरामऊ दक्षिण चौराहे से 5 अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जो उनके पास से करीब 8 किलो फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ब्लैक मार्केट में कीमत करीब 8 करोड़ रुपये है। साथ ही साथ उनके पास से 1,67,370 रुपये नकद बरामद हुए हैं, और साथ ही साथ जो टच स्क्रीन मोबाइल है वो भी बरामद हुए हैं, और एक 4-पहिया ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है। जो ये लोग अरेस्ट हुए हैं उनके नाम कुलदीप सिंह, जो कि उधम सिंह नगर का रहने वाला है, पवन कुमार, जो कि झारखंड का रहने वाला है, इकबाल सिंह, जो पीलीभीत राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मनिंदर और संदीप, ये दोनों उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जो कुल बरामदगी है उसमें इनके पास से 4 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक ATM कार्ड भी बरामद हुआ है। इनकी जो मॉडस ऑपरांडी है कि कुलदीप, मनिंदर और संदीप ये उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, और इकबाल है पीलीभीत का रहने वाला है। ये चारों आपस में कॉन्टेक्ट में रहते हैं, दोस्त हैं। इनका संपर्क पवन कुमार, जो कि झारखंड का रहने वाला है, उनके साथ हुआ था, और उनके द्वारा इनको बताया गया कि चतरा ज़िले, जो कि झारखंड में और उसके आसपास के ज़िले, उनमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो अफीम उगाई जाती है और उससे फाइन क्वालिटी की अफीम बनाई जाती है, और वो वहाँ पे उनको सस्ते दामों मिल सकती है। इसी क्रम में ये सभी लोग ब्रेजा से झारखंड गए हैं, और वहाँ से इन्होंने, जो पवन है जो कि झारखंड का रहने वाला है, उसने इनको सस्ते दामों में अफीम वहाँ से दिलवाई, और वहाँ से ये लाकर इसको उत्तराखंड और यूपी और दिल्ली और अन्य राज्यों में बेचने की फिराक में थे। उसी बीच में चेकिंग के दौरान इनको अरेस्ट किया गया है, और इनके पास से ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। आपराधिक इतिहास क्या है? पिछले आपराधिक इतिहास अभी तक ऐसा सामने नहीं आया है कि उसके बारे में बात की जा रही है, साथ देखा भी जा रहा है। जो इसके फॉरवर्ड लिंकेजेज है, बाकी इनका जो नेटवर्क है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, और लगातार जो इसी कार्रवाई है वो लगातार होती रहेगी, और इसमें सेरामऊ दक्षिण थाने पर जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है उनको जेल भेजा जा रहा है। अनुमान देखा गया है लंबे समय से अफीम पकड़ी जा रही है, लेकिन सरगना क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, क्या वजह क्या है? जैसा कि आपने देखा कि ये जो पवन कुमार है झारखंड का रहने वाला है, और लगातार इसके अंदर जो हमारी शाहजहांपुर की टीम है पिछले 1-1.5 साल से लगातार काम कर रही है, और ये एज ए कैरियर के रूप में काम करते हैं, और नए नए लोग इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं उस पर लगातार हमारी टीम काम कर रही होती है, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जो हमारे सामने हमारे पास में आता है और हमारी सूचना मिलती है, उसको हम डेवलप करके उस पर काम करते हैं, और ये लगातार कार्रवाई चलती रहती है। सर, ये फाइन क्वालिटी क्या है? फाइन क्वालिटी का जो हम बताते हैं कि ये हमारे पास जो हमारा किट है, जो कि जो होता है, जो हमारी फील्ड यूनिट के पास होता है, उसके द्वारा हम तरह तरह के जो नार्कोटिक्स होते हैं उनके बारे में प्राइमरा फेस ही पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा नार्कोटिक्स है और इसकी क्वालिटी कैसी है। उसी के आधार पर इसको चेक किया गया और उसी के आधार पर ये बताया गया।